मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बी कॉम पार्ट फर्स्ट ईयर EFM सेकंड के अंतर्गत मेरे पिछले व्याख्यान में मैं आपको बता रहा था रिजर्व बैंक द्वारा साख नियंत्रण। रिजर्व बैंक के द्वारा साख पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। बैंक दर जो है साख नियंत्रण नीति के अंतर्गत, साख नियंत्रण उपायों के अंतर्गत बैंक दर जो है एक महत्वपूर्ण टूल रिजर्व बैंक के पास है। इसके माध्यम से रिजर्व बैंक साख पर नियंत्रण स्थापित करता है। आज हम चर्चा करेंगे खुले बाजार की क्रियाएं, यानी कि खुले बाजार की क्रियाओं के द्वारा भी रिजर्व बैंक के द्वारा साख पर नियंत्रण लगाया जाता है। खुले बाजार की क्रियाओं के अंतर्गत, यानी कि सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि खुले बाजार की क्रियाओं का आखिर अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है। तो देखिए, खुले बाजार की क्रियाओं का तात्पर्य केंद्रीय बैंक की उन क्रियाओं से है जिनके अंतर्गत वह विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों, विनिमय बिलों एवं ऋण पत्रों का क्रय विक्रय कर साख को नियंत्रित करती है। संकुचित अर्थ में खुले बाजार की क्रियाओं का आशय सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय से है। जब बैंक दर की नीति असफल हो जाती है तो केंद्रीय बैंक खुले बाजार की क्रियाओं द्वारा साख नियंत्रण करता है। खुले बाजार की क्रियाओं के सिद्धांत के अनुसार जब देश में मुद्रा व साख की मात्रा बढ़ जाती है तो केंद्रीय बैंक खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों, विनिमय बिलों एवं ऋण पत्रों का विक्रय करने लगता है। ये प्रतिभूतियां व्यापारिक बैंकों एवं जनता द्वारा क्रय की जाती है। इसके परिणाम स्वरूप जनता व बैंकों के कोष सरकार के पास एकत्रित हो जाते हैं। बैंकों के कोष कम होने से उनकी साख सृजन क्षमता कम हो जाती है। इसके विपरीत जब केंद्रीय बैंक साख का विस्तार करना चाहता है तो वह मुद्रा बाजार से प्रतिभूतियाँ क्रय करने लगता है। इस तरह से व्यापारिक बैंक व जनता इन प्रतिभूतियों को बेचती है। इससे जनता व बैंकों के पास धन आ जाता है और उनकी साख सृजन क्षमता बढ़ जाती है। इस प्रकार केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय द्वारा साख की मात्रा को नियंत्रित करता है। डॉक्टर डी कॉक ने लिखा है कि केंद्रीय बैंक द्वारा प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय प्रत्यक्ष रूप से तुरंत ही चलन में मुद्रा की मात्रा और व्यापारिक बैंकों के नकद कोषों को बढ़ाता और घटाता है। बैंक नकदी की पूर्ति में वृद्धि या कमी और इस प्रकार व्यापारिक बैंकों की साख सृजन शक्ति में वृद्धि या कमी मुद्रा की मात्रा को और भी बढ़ाती या घटाती है। मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन ब्याज दरों तथा साख में सापेक्षिक परिवर्तन लाता है, जो फिर मूल्य स्तर, लागत, उत्पादन एवं व्यापार में समायोजन लाता है। खुले बाजार की क्रियाओं के उद्देश्य। खुले बाजार की क्रियाओं के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पूंजी के निर्यात को रोकना। जब किसी देश की पूंजी अधिक लाभ के लिए विदेशों को निर्यात होने लगती है तो देश में पूंजी का अभाव उत्पन्न हो जाता है। इससे देश के विनियोगों में कमी आती है एवं देश के आर्थिक हितों को हानि पहुंचती है। केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों को बेचकर पूंजी को अपनी ओर आकर्षित करता है। इससे पूंजी का निर्यात रुक जाता है। स्वर्णमान के अंतर्गत स्वर्ण के आयात निर्यात के प्रभावों को दूर करना। स्वर्णमान के अंतर्गत स्वर्ण का आयात होने पर मुद्रा व साख की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे सामान्य मूल्य स्तर ऊंचा हो जाता है। मूल्य स्तर में स्थायित्व बनाए रखने के लिए केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों का विक्रय करने लगता है, जिससे बाजार की अतिरिक्त मुद्रा बैंक के पास आ जाती है और मूल्य बढ़ने से रुक जाती है। इसके विपरीत स्वर्ण का निर्यात होने पर मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है, जिससे मूल्य गिरने लगते हैं। ऐसी स्थिति में केंद्रीय बैंक बाजार से प्रतिभूतियां क्रय कर बाजार में मुद्रा की मात्रा को बढ़ा देती, फलस्वरूप मूल्य गिरने से रुक जाते हैं। बैंक दर नीति को सफल बनाना। जब केंद्रीय बैंक की बैंक दर नीति साख नियंत्रण करने में असफल रहती है तो बैंक खुले बाजार की क्रियाओं द्वारा बैंक दर नीति को सफल बनाने का प्रयास करती है। जैसे बैंक दर बढ़ाने पर भी मुद्रा बाजार में ब्याज दर नहीं बढ़ती है तो केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों का विक्रय कर बैंकों की अतिरिक्त धनराशि को सीमित कर देता है, जिससे बाजार ब्याज दर भी बढ़ने लगती है। मुद्रा की मांग व पूर्ति में संतुलन। जब देश में मुद्रा की मांग पूर्ति से अधिक हो जाती है तो केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों का क्रय कर मुद्रा की पूर्ति को बढ़ा देता है, जिससे मांग व पूर्ति में संतुलन स्थापित हो जाता है। इसी प्रकार जब मुद्रा की पूर्ति मांग से अधिक होती है तो केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों का विक्रय कर अतिरिक्त मुद्रा बाजार से खींच लेता है, फलस्वरूप मांग व पूर्ति में संतुलन हो जाता है। मुद्रा की मांग व पूर्ति में साम्य से ही आर्थिक स्थिरता बनी रहती है।
बैंकों के प्रति विश्वास उत्पन्न करना। अनेक बार आर्थिक संकट के समय जनता का बैंकों से विश्वास उठ जाता है और वे अपनी जमाएं निकलवाने के लिए बैंकों की ओर दौड़ पड़ते हैं। यह स्थिति बैंकों के लिए गंभीर संकट उत्पन्न कर देती है। सामान्य रूप से बैंक इस स्थिति का सामना करने में असफल रहते हैं। ऐसी स्थिति में केंद्रीय बैंक मुद्रा बाजार से प्रतिभूतियाँ क्रय करने लगता है, जिससे मुद्रा बाजार में धन की मात्रा बढ़ने लगती है। इससे जनविश्वास बढ़ता है और बैंकों से धन निकलवाना बंद कर देते हैं। खुले बाजार की क्रियाओं की कुछ सीमाएं भी हैं, वो इस प्रकार से हैं। प्रतिभूतियों की मांग व पूर्ति हो, खुले बाजार की नीति की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि बाजार में प्रतिभूतियों की मांग व पूर्ति बनी रहे। यदि बाजार में प्रतिभूतियों की मांग नहीं है तो केंद्रीय बैंक द्वारा प्रतिभूतियों के विक्रय का कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि कोई उन्हें खरीदने वाला ही नहीं है। इसके विपरीत यदि बाजार में प्रतिभूतियों की पूर्ति नहीं है तो केंद्रीय बैंक द्वारा प्रतिभूतियों के क्रय की नीति सफल नहीं होगी। इस प्रकार प्रतिभूतियों की मांग व पूर्ति विद्यमान होने पर ही खुले बाजार की क्रियाएं प्रभावी हो सकेंगी। बैंकों के नगद कोषों पर प्रभाव। केंद्रीय बैंक की खुले बाजार की क्रियाओं से व्यापारिक बैंकों के नगद कोष प्रभावित होनी चाहिए। जब केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों के विक्रय द्वारा बैंकों के नगद कोष कम करना चाहे और जनता बैंकों से धन न निकलवा कर अपने पास की नगद राशि से ही प्रतिभूतियां खरीद ले, तो बैंकों के नगद कोषों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और खुले बाजार की क्रियाएँ अप्रभावी रहेगी। इसी तरह से नगद कोषों का भी साख पर प्रभाव पड़ता है। खुले बाजार की क्रियाओं की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि बैंक अपनी ऋण नीति में कोई परिवर्तन न करे। व्यापारिक बैंकों के नगद कोषों से साख की मात्रा प्रभावित होती रहे। अनेक बार राजनीतिक परिस्थितियों के कारण बैंक नगद कोषों में वृद्धि के बावजूद साख की मात्रा नहीं बढ़ाते हैं, इससे यह विधि अप्रभावी हो जाती है। इस विधि की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि नगद कोषों में कमी वृद्धि से साख की मात्रा में भी कमी वृद्धि हो। इसी तरह से ग्राहकों की ऋण मांग में कोई परिवर्तन न हो। इस नीति की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि ग्राहकों की ऋण संबंधी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अनेक बार आर्थिक एवं राजनीतिक अस्थिरता के कारण कम ब्याज पर भी ऋण की मांग घट जाती है। इसी प्रकार तेजी को की स्थिति में अधिक ब्याज दर पर भी ऋण की मांग बढ़ जाती है। इन स्थितियों में खुले बाजार की नीति अप्रभावी हो जाती है। इसी तरह से आपके संगठित मुद्रा बाजार है, इसके अंतर्गत भी यह नीति तभी सफल होती है जबकि देश में विकसित एवं संगठित मुद्रा बाजार या बिल बाजार हो। संगठित मुद्रा बाजार में ही केंद्रीय बैंक एवं अन्य बैंकों में घनिष्ठ संबंध होंगे और केंद्रीय बैंक इस नीति के द्वारा साख को प्रभावित कर सकेंगे। केंद्रीय बैंक को प्रतिभूतियों को क्रय करने की शक्ति असीमित हो। इस नीति की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि केंद्रीय बैंक के पास असीमित साधन होने चाहिए ताकि वे बाजार में असीमित मात्रा में प्रतिभूतियों का क्रय कर सके। वास्तव में केंद्रीय बैंक के साधन भी सीमित होते हैं, न तो उनके पास इतनी अधिक पूंजी होती है कि वे बाजार से असीमित मात्रा में प्रतिभूतियाँ खरीद सके और न ही इतनी अधिक प्रतिभूतियाँ होती है कि वे उन्हें असीमित मात्रा तक बेच सके। इसलिए यह नीति केंद्रीय बैंक के साधनों की सीमा तक ही सफल रही है। किंस ने कहा है कि केंद्रीय बैंक आने वाली तेजी को रोकने के लिए उतनी ही बारूद का प्रयोग कर सकते हैं जितनी वे मंदी से लड़ने के समय प्राप्त कर पाए हैं। तो इस तरह से रिजर्व बैंक के द्वारा साख नियंत्रण के लिए खुले बाजार की क्रियाओं का भी इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा प्रारक्षित नकद कोषानुपात में परिवर्तन करके भी रिजर्व बैंक आपके साख पर नियंत्रण स्थापित करता है, जिसको कि हम CRR रेशियो कहते हैं। और CRR रेशियो में चेंज करके भी जो है रिजर्व बैंक आपके साख पर नियंत्रण स्थापित करता है। यानी कि साख नियंत्रण की यह विधि भी बैंक के नगद कोषों को प्रभावित करती है। प्रत्येक व्यापारिक बैंक को अपनी जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत भाग नगद कोष के रूप में केंद्रीय बैंक के पास रखना पड़ता है। केंद्रीय बैंक इस राशि का उपयोग सदस्य बैंकों को ऋण देने, बिलों की कटौती करने आदि के लिए करता है। यह कोषानुपात केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है। जब साख की मात्रा को कम करना होता है तो केंद्रीय बैंक इस अनुपात में वृद्धि कर देता है। फलस्वरूप व्यापारिक बैंकों के नगद कोष कम हो जाते हैं और उनकी साख सृजन क्षमता घट जाती है। इसके विपरीत जब साख की मात्रा में वृद्धि करनी होती है तो केंद्रीय बैंक इस अनुपात को घटा देता है। फलस्वरूप व्यापारिक बैंकों के नगद कोष अधिक हो जाते हैं और वे अधिक मात्रा में साख सृजन कर पाते हैं। प्रारक्षित नगद कोष अनुपात विधि अधिक उपयुक्त मानी गई है। प्रोफेसर शेयर्स ने लिखा है कि जब खुले बाजार की क्रियाओं का पूरा उपयोग नहीं किया जा सकता, उस समय यह विधि अत्यंत उपयोगी है। इस शस्त्र को पाकर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों की अपेक्षा अधिक उपयोगी कार्य कर सकती है।
धन्यवाद। इसके अलावा जो है हम तरल कोश अनुपात में परिवर्तन के बारे में हम नेक्स्ट व्याख्यान में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।